सो गाइस इंस्टाग्राम के ऊपर कुछ इस तरह की रील वीडियो काफी ज्यादा वायरल हो रही है। सो आप भी इस टाइप की रील वीडियो क्रिएट करना चाहते हो तो इस वीडियो को आपको लास्ट तक जरूर देखना है। तो चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट किए वीडियो को फटाफट स्टार्ट कर लेते हैं। सो इस तरह की एडिटिंग सीखने के लिए आपको ये दो एप्लीकेशन को डाउनलोड करना होगा। फर्स्ट एप्लीकेशन कैपकट, जो कि आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, तो वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, तो जाके डाउनलोड कर लेना। और सेकंड एप्लीकेशन टर्बो वीपीएन, जो कि आपको प्ले स्टोर पर मिलेगा, तो वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हो। सो डाउनलोड करके आपको वीपीएन को कनेक्ट कर लेना है। कनेक्ट करके आपको कैपकट एप्लीकेशन को ओपन करना है। ओपन करके आपको ऊपर न्यू प्रोजेक्ट, इस पर आपको टैप करना है। देन आपको अपनी गैलरी में से अपनी वीडियो क्लिप को सिलेक्ट करके ऐप के अंदर ऐड कर लेना है। सो यहाँ पर हमारी वीडियो ऐप के अंदर ऐड हो चुकी है, जैसे कि देख सकते हो एकदम नॉर्मल वीडियो है। तो आपको भी अपनी नॉर्मल वीडियो शूट करके सिंपली ऐप के अंदर ऐड कर लेना है। देन ऐड करके आपको नीचे ओवरले, इस पर आपको टैप करना है। देन ऐड ओवरले, इस पर आपको टैप करना है। एंड आपको अपनी गैलरी में से ओरिजिनल रील वीडियो को सिलेक्ट करके ऐप के अंदर ऐड कर लेना है। तो ये वाली रील वीडियो जैसे कि देख सकते हो, तो इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, तो डाउनलोड करके ऐप के अंदर ऐड कर लेना। एंड इसको आपको थोड़ा सा छोटा कर लेना है। देन आपको इसको नीचे की तरफ ऐड कर देना है। तो इसके थ्रू हम एडिटिंग करने वाले हैं, तो डाउनलोड करके ऐप के अंदर ऐड कर लेना। सो ये करके आपको स्टार्टिंग माना है। एंड यहाँ पर आपको देखना है कि छोटी वाली वीडियो में कौन सा इफेक्ट लग रहा है। तो जैसे कि देख सकते हो यहाँ पर आपको छोटी वाली वीडियो के अंदर यहाँ पर आपको ब्लर इफेक्ट देखने को मिलेगा स्टार्टिंग में, ओके। एंड उसी के आगे आपको एक इफेक्ट देखने को मिलेगा, शेक इफेक्ट। तो यहाँ पे आपको आ जाना, जहाँ पे शेक इफेक्ट आ रहा है वहाँ पे आपको आ जाना है, ओके। तो सिंपली हम थोड़ा सा इसको आगे की तरफ करेंगे, एंड जहाँ पे ये शेक इफेक्ट आ रहा है छोटे वाली वीडियो के अंदर, वहीं पे हम आ जाएंगे, ओके। तो यहाँ पे ये आ रहा है, तो यहाँ पे हम वीडियो को पॉज करेंगे। देन आपको अपनी वाली वीडियो पर टैप करके सिंपली आपको इसको स्प्लिट ऐड कर देना है, ओके। सो ये होने के बाद फ्रेंड्स आपको सिंपली ये जो सेकंड वाला पार्ट है हमारा, इसके ऊपर आपको टैप करना है। एंड इसके अंदर आपको स्लोमो ऐड करना होगा। तो स्लो मोशन को ऐड करने के लिए आपको नीचे स्पीड वाले बटन पे टैप करना है। सो यहाँ पे आपको तीन ऑप्शन देखने को मिलते हैं। तो सिंपली आपको कर्व वाले बटन पे टैप करना है। देन यहाँ पे आपको कस्टम, इस पर आपको टैप करना है। देन अगेन आपको इसके ऊपर टैप करना है। एंड यहाँ पे आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा, जिसके अंदर आपको बीच में एक येलो लाइन दिख रही है, एंड उसके बीच में आपको तीन चार डॉट दिख रहे होंगे। तो सिंपली आपको ये जो सेकंड वाला डॉट है, ये वाला, आपको इसको नीचे की तरफ ऐड करना है। स्लो मोशन ऐड करना चाहते हो तो इसको आपको नीचे की तरफ ऐड करना है, और जो ये वाला डॉट है इसको भी आपको नीचे की तरफ ऐड कर देना, ओके, कुछ इस तरीके से। तो इससे हमारे वीडियो में स्लोमो ऐड हो जाएगा। सो ये करके आपको नीचे की तरफ स्मूथ स्लो मोशन वाले बटन पे टैप करना है। यहाँ पे आपको बेटर क्वालिटी वाले बटन पे टैप करना है। देन यहाँ पे आपको नीचे राइट वाले बटन पे टैप कर देना है। जैसे टैप करोगे तो यहाँ पे ये 100% पूरा होगा। देन उसके बाद में आपकी जो स्लो मोशन वीडियो है वो एकदम स्मूथ तरीके से इसमें कन्वर्ट हो जाएगी। तो आपको थोड़ा सा वेट कर लेना जब तक ये 100% कम्प्लीट ना हो जाए। तो यहाँ पे हमारी वीडियो के अंदर स्मूथ स्लो मोशन ऐड हो चुका है। तो देन आपको नीचे राइट वाले बटन पे टैप कर देना है, तो आपको ये कर लेना, ओके। ये करके आपको सिंपली बैक आ जाना है, एंड आपको वीडियो की स्टार्टिंग माना है। एंड यहाँ पे आपको रियल वीडियो के अंदर एक ये इफेक्ट देखने को मिलेगा, जिसके अंदर वीडियो मूव हो रही है, ओके। तो इस वाले इफेक्ट को आपको अप्लाई करना होगा आपको अपनी वाली वीडियो के अंदर। तो उसको अप्लाई करने के लिए आपको नीचे इफेक्ट वाले बटन पर टैप करना है। देन वीडियो इफेक्ट, इस पर आपको टैप करना है। देन यहाँ पे आपको ऊपर की तरफ नाइट कलर वाले बटन को सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे आपको कई सारे इफेक्ट देखने को मिलेंगे, जैसे कि देख सकते हो। तो आपको इनको ऊपर की तरफ स्क्रॉल करना है। यहाँ पे आपको नीचे की तरफ कैमरा मूव नाम से एक इफेक्ट देखने को मिलेगा, तो आपको इसको सिलेक्ट कर लेना है। देन ऊपर की तरफ आपको राइट वाले बटन पर टैप कर देना है। एंड यहाँ पे आपको इसके लेंथ को इतना रखना है जहाँ तक हमने स्प्लिट ऐड करा था, यहाँ तक, ओके। तो ये करके आपको वापस से वीडियो की स्टार्टिंग में आना है। देन आपको नीचे की तरफ इफेक्ट वाले बटन पे टैप करना है। देन वीडियो इफेक्ट, इस पर आपको टैप करना है। देन यहाँ पे आपको ऊपर की तरफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग, इस पर आपको टैप करना है। एंड यहाँ पे आपको हलो ब्लर इफेक्ट को सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करके आपको ऊपर राइट वाले बटन पे टैप करना है। देन यहाँ पे आपको इसकी लेंथ को यहाँ तक रख लेना है, स्प्लिट तक। देन नीचे की तरफ आपको एडजस्ट वाले बटन पे टैप करना है। एंड यहाँ पे आपको इसकी जो इंटेंसिटी है आपको इसको फुल कर देना है, जो इसकी ये स्पीड है आपको इसको जीरो कर देना, ओके। ये करके आपको नीचे राइट वाले बटन पे टैप करना है। सो ये करके आपको वीडियो के इस वाले पार्ट में आना है, सेकंड वाले पे। देन इसके ऊपर आपको टैप करना है। एंड इसके अंदर आपको एक एनिमेशन को ऐड करना होगा, जो शेक एनिमेशन इसमें आता है स्टार्टिंग में। तो उसको ऐड करने के लिए आपको वीडियो पे टैप करना है, अपने वाली वीडियो पे। देन नीचे की तरफ आपको एनिमेशन, इस पर आपको टैप करना है। देन यहाँ पर आपको कई सारे एनिमेशन देखने को मिलेंगे, जैसे कि देख सकते हो। तो आपको इनमें से जो भी एनिमेशन पसंद हो वो आप अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा आगे की तरफ स्क्रॉल करेंगे। यहाँ पे आपको आगे की तरफ रोग होरिजेंटल, जो इस रियल वीडियो के अंदर इफेक्ट लग रहा है, हम उस वाले को ऐड करेंगे।
तो उसका नाम रोक हॉरिजॉन्टल है, तो यहाँ पे आपको ये देखने को मिल जाएगा। तो आपको इसको सिलेक्ट कर लेना है, सिलेक्ट करके आपको नीचे राइट वाले बटन पे टैप करना है, तो इसके अंदर ये अप्लाई हो जाएगा। एक बार मैं आपको वीडियो को प्ले करके दिखा देता हूँ, जैसे कि देख सकते हो ये ऐड हो चुका है, तो आपको ऐड कर लेना है। एंड यहाँ पे आपको आगे की तरफ यहाँ पे आपको एक लाइट इफेक्ट देखने को मिलेगा इस वाली वीडियो के अंदर, छोटे वाली वीडियो के अंदर, जैसे कि देख सकते हो। तो इसको अप्लाई करने के लिए आपको नीचे इफेक्ट वाले बटन पर टैप करना है, ये जो बटन है इफेक्ट, इस पर आपको टैप करना है। देन वीडियो इफेक्ट, इस पर आपको टैप करना है। देन यहाँ पर आपको ऊपर की तरफ नाइट कलर वाले बटन को सिलेक्ट कर लेना है। एंड यहाँ पर आपको इसके अंदर वाइब्रेशन फ्लैश इस वाले इफेक्ट को आपको सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करके आपको ऊपर राइट वाले बटन पर टैप करना है। देन यहाँ पर आपको इसके लेंथ को इतना रखना है जितना मैंने करा है, ओके। ये करके आपको सिंपली इसको होल्ड करके आपको इसको परफेक्ट तरीके से ऐड करना है, जैसे छोटे वाली वीडियो में, तो उसके अकॉर्डिंग आपको इसको ऐड कर देना है। तो ऐड हो चुका है जैसे कि देख सकते हो, आपको ये कर लेना है। सो यहाँ पे हम वीडियो को वापस से प्ले करते हैं, तो इसमें ये ऐड हो चुका है। एंड आगे की तरफ आपको एक शेक इफेक्ट देखने को मिलेगा जैसे कि देख सकते हो यहाँ पे, तो सिंपली आपको वहीं आना है जहाँ पे शेक इफेक्ट आ रहा है। तो हम थोड़ा सा इसको आगे की तरफ करेंगे वीडियो को, एंड यहाँ पे शेक इफेक्ट आ रहा है जैसे कि देख सकते हो। तो यहाँ पे आपको सिंपली अपने वीडियो पे टैप करके आपको नीचे स्प्लिट वाले बटन पे टैप करना है, एंड आपको वीडियो को स्प्लिट ऐड कर देना है। तो स्प्लिट को ऐड करने के बाद फ्रेंड्स आपको वीडियो के बीच में आपको एक व्हाइट कलर का डॉट दिख रहा है, तो इसके ऊपर आपको टैप करना है। यहाँ पे आपको कई सारे इफेक्ट देखने को मिलेंगे, तो आपको इनको ऊपर की तरफ स्क्रॉल करना है। यहाँ पे आपको नीचे फुल इन नाम से एक इफेक्ट देखने को मिलेगा, तो आपको इसको सिलेक्ट कर लेना है। तो इसको सिलेक्ट करके आपको ऊपर की तरफ राइट वाले बटन पे टैप करना है, तो इसमें ये ऐड हो जाएगा, तो आपको ऐड कर लेना है। देन यहाँ पे आपको वापस से वीडियो को प्ले करना है, एंड आगे की तरफ देखना है कौन सा इफेक्ट है। तो जैसे कि देख सकते हो यहाँ पे आपको ये लाइट इफेक्ट देखने को मिल रहा है ये वाला, तो आपको सिंपली वापस से वीडियो को पीछे आना है, एंड ये जो वाला इफेक्ट था जो हमने ऐड करा था आपको इसको डुप्लीकेट कर लेना है, ओके। डुप्लीकेट करके आपको इसको होल्ड करना है, एंड यहाँ पे आपको इसको आगे की तरफ ऐड करना है जहाँ पे ये इफेक्ट आ रहा है छोटी वाली वीडियो के अंदर, तो सिंपली आपको वहाँ पे ये ऐड कर देना है। तो हम थोड़ा सा आगे की तरफ करेंगे, एंड यहाँ पे ये इफेक्ट आ रहा है, तो होल्ड करेंगे हम इसको इफेक्ट को, एंड यहाँ पे हम इसको ऐड कर देंगे, ओके। तो आपको ऐड कर लेना है, देन यहाँ पे आपको वापस से वीडियो को प्ले करना है, एंड यहाँ पे आपको ये इफेक्ट देखने को मिल रहा है, तो इस वाली इफेक्ट को आपको अप्लाई करना है। तो सिंपली आपको यहाँ पे आना है इस वाले इफेक्ट का थोड़ा सा जस्ट एकदम पास में, ओके। तो नीचे आपको इफेक्ट, इस पर आपको टैप करना है। देन वीडियो इफेक्ट, इस पर आपको टैप करना है। देन ऊपर की तरफ आपको नाइट क्लब वाले बटन को सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पे आपको कई सारे इफेक्ट देखने को मिलेंगे, तो सिंपली आपको इनको ऊपर की तरफ स्क्रॉल करना है। यहाँ पे आपको नीचे की तरफ फ्लैश नाम से एक इफेक्ट देखने को मिलेगा, तो आपको इसको सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करके आपको ऊपर राइट वाले बटन पर टैप कर देना है। देन यहाँ पे आपको इसके लेंथ को कुछ इतना बड़ा रखना है जितना मैंने करा है, ओके। ये करके आपको नीचे की तरफ एडजस्ट वाले बटन पर टैप करना है, एंड यहाँ पे आपको इसकी जो ये स्पीड है आपको इसको थोड़ा सा माइनस कर लेना है 20 के अकॉर्डिंग। एंड यहाँ पे आपको नीचे की तरफ इंटेंसिटी देखने को मिलेगी, तो इसको भी आपको माइनस करके 20 रख लेना है। एंड नीचे की तरफ आपको आना है, एंड यहाँ पे आपको ग्लो देखने को मिलेगा, तो इसको आपको थोड़ा सा माइनस करके, मतलब यहाँ पे आपको इसको 20 या 25 के अकॉर्डिंग रख लेना है। एंड नीचे की तरफ आपको ब्लर देखने को मिलेगा, तो इसको आपको 0 कर देना है, ओके। यह करके आपको नीचे राइट वाले बटन पर टैप कर देना है, तो इसमें ये अप्लाई हो जाएगा। देन यहाँ पे आपको इसके यहाँ पे आ जाना वापस से, एंड यहाँ पे आपको वापस से इफेक्ट पर टैप करना है। देन वीडियो इफेक्ट पर टैप करना है। देन यहाँ पे आपको ऊपर की तरफ नाइट कलर वाले बटन को सिलेक्ट कर लेना है। देन यहाँ पे आपको ऊपर की तरफ नाइट कलर वाले बटन को सिलेक्ट करके आपको इनको ऊपर की तरफ स्क्रॉल करना है। यहाँ पे आपको नीचे ब्लैक फ्लैश 2 नाम से एक इफेक्ट देखने को मिलेगा, तो आपको इसको सिलेक्ट कर लेना है। तो सिलेक्ट करके आपको ऊपर की तरफ राइट वाले बटन पर टैप कर देना है। देन यहाँ पे आपको इसकी लेंथ को इतना रखना है जितना ये वाला इफेक्ट है उसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे हम वापस से वीडियो को प्ले करते हैं, तो जैसे कि देख सकते हो आगे की तरफ आपको कोई इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा, तो आपको बैक आना है। देन आपको नीचे ओवरले, इस पर आपको टैप करना है, एंड ये जो रील वीडियो छोटी वाली इसके अकॉर्डिंग आपको अपनी वीडियो को स्प्लिट कर लेना है, ओके, यहाँ तक। एंड यहाँ पे आपको इस रील वीडियो के ऊपर टैप करना है, एंड नीचे की तरफ आपको इनको स्क्रॉल डाउन करना है। यहाँ पे आपको आगे की तरफ एक ऑप्शन देखने को मिलेगा एक्सटर्न ऑडियो नाम से, ओके, तो इसके ऊपर आपको टैप करना है। देन यहाँ पे आपको इसकी ऑडियो को एक्सटेंड कर लेना है, जैसे कि देख सकते हो इसकी ऑडियो एक्सटेंड हो चुकी है, तो आपको ये कर लेना है। देन यहाँ पे आपको इस रील वीडियो को डिलीट कर देना है, ओके। तो इसी के साथ यहाँ पे हमारा वीडियो रेडी हो चुका है, तो आपको वीडियो को गैलरी में सेव करने के लिए ऊपर की तरफ एक्सपोर्ट वाले बटन पर टैप करना है। देन ये वीडियो आपकी गैलरी में सेव होने लग जाएगा। तो कुछ इस तरीके से आप ये वीडियो क्रिएट कर सकते हो। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को आपको सब्सक्राइब कर देना है।